मंदिरों की जमीन पुन मंदिरों के नाम कराने की मांग को लेकर बसुआ तहसीलदार को विप्र सेना ने सौंपा ज्ञापन। विप्र सेना दौसा जिला अध्यक्ष नेहा चतुर्वेदी के नेतृत्व में दिया ज्ञापन। पुजारियों की पिछले लंबे समय से लंबित चली आ रही मांगों को लेकर सोमवार को विप्र सेना दौसा की ओर से जिला अध्यक्ष नेहा चतुर्वेदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम बसुआ तहसीलदार रश्मि शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से पुजारियों की मंदिर माफी की जमीन को पुनः मंदिरों के नाम करने और पुजारियों को संरक्षण प्रदान करने की मांग की। ज्ञापन के दौरान जिला अध्यक्ष नेहा चतुर्वेदी ने कहा कि प्रदेश भर में भूमाफियाओं और बाहुबलियों द्वारा जबरन मंदिर माफी की जमीन पर अतिक्रमण कर खुर्द बुर्द कर दिया जाता है, जहां ऐसे में मंदिरों की पूजा करने वाले पुजारियों को परिवारों के सामने पेट पालने का संकट खड़ा हो गया है और पुजारियों को आत्मदाह जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर किया जाता है। क्या मामला है? आज हमने विप्र सेना की ओर से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। उसमें क्या है, जैसे मंदिरों की जो जमीन है वो बाहुबलियों ने अपने अतिक्रमण करके उनको कब्जे में कर लिया, जिसके चलते आए दिन ब्राह्मण समाज के काफ़ी पुजारी है जो आग के हवाले हो रहे हैं और उनके परिवार है ना जो पालन पोषण के उसमें नहीं हो रहा, भूखे मर रहा है। तो मैं काफ़ी समय पहले जब सरकार गठित हुई थी, जब अशोक गहलोत जी ने ये घोषणा की थी कि मंदिर की जमीन मंदिर के नाम हो और प्लस में पुजारियों को संरक्षण दिए जाए, तो आज हमें इस जो ज्ञापन दिया है इसके माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं कि आपने जो घोषणा की थी उस पर अमल किया जाए और पुजारियों को संरक्षण दिया जाए। आपका नाम? मैं नेहा चतुर्वेदी, विप्र सेना जिला अध्यक्ष। जो हमारी जो मंदिरों के नाम जो जमीन है उस पर कब्जा कर रखा है बाहुबलियों द्वारा, और चुनाव में ये घोषणा की गई थी माननीय गहलोत जी ने कि सभी को मंदिर माफी जो भूमि है उसको वो करवा दी जाएगी और पुजारियों को संरक्षण दे दिया जाएगा। जो हमारी मांग यही है पुजारियों को अपना अधिकार वापस दिलाया जाए। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश पुजारी,